इसी अपना लिपस्टिक साथ ले जाना मत भूलना, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज तुम 18 साल की हो गई हो, आज हमें पता चलेगा कि तुम हंटर हो या फिर हमारे पूरे फैमिली की तरह प्रे हो। ध्यान रहे निशी, जैसे ही तुम्हारा मार्क मिलता है तुम उसे तुरंत अपने रेड मार्क में चेंज कर लेना, क्योंकि हम किसी को भी पता नहीं लगने दे सकते कि हम सबके सब प्रे हैं। तुम सुन रही हो ना निशी, इसमें चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गई मम्मी, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, आप इसे मुझ पे छोड़ दीजिए। मुझे पता है बेटा, लेकिन तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिली कितने सालों से हंटर होने का नाटक कर रही है। मुझे पता है मम्मी, आप पिछले 18 साल में 18,000 बार ये बात बोल चुकी हैं। हमारे पास जिंदा रहने का केवल एक ही ये तरीका है। ऑल द बेस्ट निशी। थैंक्स मम्मी। निशी, क्या तुम एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि आज हमें कौन सा मार्क मिलेगा? एक्साइटेड? मैं स्ट्रेस में हूँ रिया। पर क्यों? क्योंकि 99.9% चांसेस है कि हम दोनों का सेम मार्क्स ना मिले और फिर हमारी दोस्ती टूट जाएगी रिया। निशी, तुम्हारी पूरी फैमिली हंटर्स है ना? हाँ। और मेरी भी, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा दोस्ती कभी खत्म हो। हाँ हाँ, तो चलो जल्दी से एक्साइटेड हो जाओ निशी। ओके स्टूडेंट्स, अगले एक मिनट के अंदर तुम सबको तुम्हारा मार्क मिल जाएगा। मेरी बात ध्यान रहे, जिन लोगों को प्रे सिलेक्ट किया जाता है वो तुरंत इस यूडूब स्कूल से भाग जाना और हंटर से छिपना शुरू कर देना, और हंटर तुम लोग इसी स्कूल में रहोगे। और हाँ, स्कूल ग्राउंड में गिनित शख्स मना है। चलो अब सब अपने फेस कवर करो और मार्क के लिए रेडी हो जाओ। हम दोनों हंटिंग साथ में करेंगे। हाँ हाँ, मेरा मार्क कहाँ है? हाँ हाँ हंटर, इसका मतलब अब मुझे अपना मार्क चेंज नहीं करना पड़ेगा। निशी, तुम एक हंटर हो। हाँ थैंक गॉड, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने फैमिली को डिसअपॉइंट करूँ। मुझे पता है यार, हम एक प्रिय होने का सोच भी नहीं सकते। वैसे रिया तुम कहाँ जा रही हो? वो मेरे हंटिंग का टाइम हो गया है। इतनी जल्दी? हाँ, मैं इंग्लिश की क्लास स्किप करने वाली हूँ और अपने फैमिली के साथ हंटिंग पे जाने वाली हूँ। यू, कितना मजा आएगा, मेरी पहली हंटिंग। वाओ रिया, जब हमारा हंटिंग का टाइम होता है और उस वक्त हम हंटिंग ना करें तो क्या होता है? बुरा होता है निशी, तुम खुद को जितनी ज्यादा हंट करने से रोकोगे तुम खुद पे से अपना कंट्रोल उतनी ज्यादा खोती रहोगी। यहां तक कि तुम गलती से एक दूसरे हंटर को भी मार सकती हो। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ये बात पहले कभी नहीं बताई? हाँ उन्होंने बताया था पर मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, तुम धीरे धीरे खुद ब खुद सब सीख जाओगी। तो निशी, कैसा रहा तुम्हारा स्कूल में सब और तुम्हारा मार्क? अरे वाह, तुमने अपना मार्क चेंज कर लिया, गुड। हाँ मेरा मार्क। मम्मी मुझे अपने मार्क के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। क्या किसी ने तुमको अपना मार्क चेंज करते हुए देख लिया? नहीं नहीं, मुझे अपने मार्क को चेंज करते हुए किसी ने नहीं देखा। ओह फिर ठीक है, हमें पर... तुम पे बहुत गर्व है निशी। और हाँ, एक प्रे होने के नाते आज रात तुम्हारा पहला ऑफिशियल डिनर होने वाला है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। मुझे मम्मी को बताना होगा कि मैं सच में एक हंटर हूँ। टाइम टू हंट। हाँ निशी बोलो। हेलो रिया, क्या तुम अभी भी हंटिंग कर रही हो? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मेरे भी हंटिंग का टाइम आ गया है, क्या मैं वहाँ आ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, तुम पार्क में आ जाओ, हम सब वहीं हैं। निशी तुम आ गई, पर तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे फर्स्ट हंटिंग पर क्यों नहीं लेकर गए? क्योंकि एक्चुअली मेरे मॉम डैड यहाँ है ही नहीं, क्योंकि वो ट्रिप पे गए हैं। क्या सच में? हाँ वो एक हंटिंग ट्रिप पे गए हैं ढोलकपुर, इसलिए वो कुछ दिन यहाँ पे नहीं होंगे। ओह, पर मैं बहुत खुश हूँ कि तुम हमारे साथ आई। मैं भी। क्या तुम्हारा निशाना अपने टारगेट पर है? यस सर। वो राइट साइड में जो लड़का है वो एक हंटर है निशी। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारा निशाना बेकार है। सॉरी। क्या सॉरी, अपनी बंदूक थोड़ा देखकर चलाओ। वो लड़का जो लेफ्ट साइड में है, यस वो एक प्रे था। गुड जॉब निशी। गुड शॉट निशी बेटा। इसमें कितना मजा आ रहा है नरिया। आराम से न्यू हंटर्स, ज्यादा जोश अच्छा नहीं है, तुम्हें ओवर थिंकिंग नहीं होना चाहिए। अभी तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, पर तुम नेक्स्ट टाइम हमारे साथ हंटिंग करने आ सकती हो। हाँ मैं जरूर आऊंगी। निशी रुको। हाँ? मेरे डैड तुम्हारा बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छे से हंटिंग की, पर मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स शहर से बाहर नहीं गए हैं। आज हंटिंग करते वक्त मैंने तुम्हारी मम्मी को मार्केट में देखा था, क्या सब ठीक है निशी? हाँ वो क्या है ना कि आज मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच थोड़ी सी बहस हो गई थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और थैंक्स टू रिया कि तुमने किसी को बताया नहीं। ओह तो ये बात है, चलो कोई बात नहीं निशी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूँ। ओके बाय। निशी तुम कहाँ थी? सॉरी मम्मी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर थी। तुमने एज अ प्रे हमारा फर्स्ट फैमिली डिनर मिस कर दिया। हाँ तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी बात है। कोई बड़ी बात नहीं, तुम हमें ऐसे बिना बताए कैसे जा सकती हो निशी? मैंने और तुम्हारे पापा ने मिलकर तुम्हारा फेवरेट डिनर बनाया था। आई एम सॉरी। खैर छोड़ो, फिलहाल तुम अपना ये रेड मार्क धुल कर आओ, हम तुम्हारा ब्लू मार्क देखना चाहते हैं। मैं इसे नहीं धुल सकती मम्मी। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम इसे धुल नहीं सकती हो? मम्मी मैं एक हंटर हूँ।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। ये सच है मम्मी, और इसलिए मैंने डिनर स्किप किया क्योंकि मैं रिया के फैमिली के साथ बाहर हंटिंग करने गई थी। ईशी के पापा इधर आइए, ये कितना खतरनाक है। खतरनाक कैसे मम्मी, आप और डैड अपनी पूरी जिंदगी एक हंटर होने का नाटक तो ही करते आए हैं। हमें तो और खुशी मनानी चाहिए कि हम फाइनली एक हंटर हैं। नीसी, हम सच में हंटर बनना नहीं चाहते, हम बस दिखावा करते हैं। वो लोग कातिल होते हैं और वो सबके सब खतरनाक होते हैं। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है उनसे और इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप हंटर होने का दिखावा क्यों करती हैं? हमारे खुद के सेफ्टी के लिए नीसी, क्योंकि एक हंटर दूसरे हंटर को नहीं मार सकता, और इससे अच्छा मेथड नहीं है हमें खुद को प्रोटेक्ट करने को। मुझे लगा था कि तुम हमें समझती हो, बस बहुत हुआ और तुम अभी हमारे घर से बाहर निकल जाओ। सच में? मैंने कहा मेरे घर से निकलो नीसी, अभी कभी। नीसी ऐसा करने की सोचना भी मत, नीसी के पापा। मम्मी रुको। मम्मी प्लीज नीसी, हमें कुछ मत करना, हमें मत मारना प्लीज। शांत हो जाइए मम्मी, मैं आप दोनों को कुछ नहीं करूंगी। हम कुछ नहीं जानते, बस तुम मेरे घर से बाहर निकलो प्लीज, जल्दी। अगर आप मुझे घर से बाहर निकाल देंगी तो लोग तरह तरह का सवाल पूछेंगे। नीसी ठीक बोल रही है नीसी की मम्मी, हम ऐसे ही नीसी को घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ऐसे हमारा ही पर्दाफाश हो जाएगा। पर ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं देखती हूँ। रिया तुम? हाय नीसी, एक बार फिर से हमारा हंटिंग का टाइम आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हाँ मैं जरूर चलूंगी, तुम बस यहीं पे मेरा वेट करो, मैं अभी आई। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, क्या आप दोनों हमारे साथ हंटिंग करने चलेंगे? नहीं रिया बेटा, आज नहीं, हम अगली बार तुम्हारे साथ जरूर आएंगे। ये कितनी अजीब बात है, मैंने आज तक तुम्हारे मम्मी पापा को हंटिंग करते नहीं देखा है, ऐसा लगता है कि वो दोनों बहुत बिजी होते हैं। रिया ऐसा लगता है कि वो दोनों प्रे हैं। नीसी क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रिया तुम मेरे घर में ऐसे जबरदस्ती नहीं घुस सकती, रुक जाओ। अंकल आंटी आप दोनों प्रिय हो है ना? नीशी तुमने क्या किया है? कुछ भी तो नहीं मम्मी। ओ तो अब मुझे समझ में आया कि आप दोनों हंटिंग कभी क्यों नहीं करते। नीशी बेटा क्या तुम ठीक हो? ये तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं मुझे हंट करना है, आई नीड टू हंट। ठीक है नीशी बेटा कम डाउन, ये तुम क्या कर रही हो नीशी बेटा, उस गन को नीचे फेंक दो। नहीं 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 नीसी, ये तुमने क्या किया? नीसी तुम ठीक तो हो ना? रिया बेटा आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो। नीसी की मम्मी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ रिया ने उसे मार दिया नीसी। पर नीसी ने हमें बचा लिया। नीसी के पापा आप रिया के बॉडी को ठिकाने लगाओ, नीसी तुम मेरे साथ चलो। मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। कोई बात नहीं नीसी बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक किया, जो तुमने हमें बचा लिया वो बस एक एक्सीडेंट था। हम सब कुछ ठीक कर देंगे नीसी। मम्मी क्या हुआ नीसी? मम्मी मैं एक प्रे में बनने को चूज कर सकती हूँ, अब मुझे एक हंटर बन के और नहीं रहना पड़ेगा। क्या? हाँ मुझे ऑप्शन मिला है कि मैं एक प्रे बन सकती हूँ। ओह माय गॉड, नहीं नीसी ऐसा मत करना। तुमने अपने मार्क को चेंज करने के लिए चूज किया है। नीसी इसे चेंज करो और वापस से एक हंटर बन जाओ। पर मम्मी मुझे चेंज करना नहीं आता। हमें कोशिश तो करनी होगी नीसी। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, आई एक्सेस ग्रांटेड। अब तुम तीन लोगों को चूज कर सकती हो जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो। निशी तुमने कर दिखाया, तुम अभी भी हमें प्रोटेक्ट कर सकती हो एक प्रे होने के बाद भी। गुड जॉब निशी बेटा। अब तुम तीन लोगों का सिलेक्शन करो जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो। मैं चूज करती हूँ मॉम को। क्या तुमने कहा टॉम को? नहीं मॉम को। तुमने कहा मॉम को? हाँ। थैंक गॉड। माय मिस्टेक, सेव गॉड। नहीं आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। मॉम, तुम्हारी मॉम को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, अब तुम अपना दूसरा सिलेक्शन करो। डैड, प्रोटेक्टिंग डैड, तुम्हारे डैड को प्रोटेक्ट कर दिया गया, अब तुम अपना फाइनल सिलेक्शन करो जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहती हो। मॉम निशी बेटा, अब तुम जल्दी से खुद को भी प्रोटेक्ट कर लो। मैं चूज करती हूँ। तुमने ऐसा क्यों किया निशी? तुमने रिया को क्यों चूज किया? वो तो मर चुकी है। मुझे एक बार कोशिश करनी होगी डैड, हो सकता है कि कोई चांस हो कि मैं रिया को वापस ला सकूं। निशी बेटा रिया अब वापस नहीं आने वाली और अब तुम भी प्रोटेक्ट नहीं हो। मुझे कुछ नहीं होगा मम्मी। अपने सिलेक्शन के लिए थैंक यू, अब तुम्हारे मार्क को चेंज किया जा रहा है। निशी हाँ ये काम कर गया रिया, तुम बिल्कुल ठीक हो। पर हुआ क्या था निशी यहाँ? मुझे कुछ भी याद नहीं है। रिया सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम यहाँ हो और बिल्कुल ठीक हो। निशी तुम्हारा मार्क, निशी तुम एक प्रिय हो। हाँ चिंता मत करो निशी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी निशी, पर मुझे तुम्हारी एक बहुत बड़ी हेल्प की जरूरत है। क्या?